हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी ठीक ही ठाक हूँ। तो आपके काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही का टाइम से, तो बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही मुश्किल से मैं ये वीडियो बनाने के लिए खुद को मैंने तैयार करा है। तैयार करने का ये मतलब है कि हाँ, मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो आप मेरे सुख दुख दोनों में साथ देते हो, तो मेरी बारे में पूछते हो, तो जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं ना, तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ में ऐसा क्या हुआ जो कुछ ही दिनों में मेरी दुनिया एकदम से उजड़ गई। तो बस यही जानना चाहते हैं। तो काफ़ी टाइम से आ रहे थे कमेंट, बट मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं आप लोगों से बताऊं, क्योंकि इसलिए नहीं बताना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान सी हो जाती हूँ फिर। और कहते हैं ना कि घाव एकदम से ताज़ा हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, तो वही चीज़ है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो बताना, मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। तो मैं ये लास्ट बार ही बताऊँगी, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ही होगा, और मैं 10 या 15 मिनट में तो नहीं बता पाऊँगी अपनी जो भी मेरे साथ हुआ है। तो देर मेरी वीडियो बनेगी, आज ही आज मैं बनाऊँगी, तो वो चाहे वो मैं 10 मिनट की वीडियो अपलोड करूँ या 15 मिनट की, लेकिन वो पार्ट के मतलब आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी। इसी तरीके से मैं जब तक मैं पूरी बात बता नहीं डालूंगी, तब तक वो पार्ट 2 ऐसे करके आ जाएगी, क्योंकि एक बार में तो फुल डालेंगे, तब भी कोई नहीं देखेगा। और मैं 10 मिनट की वीडियो में बता भी नहीं पाऊंगी अपनी बातें सारी। तो एक दो या तीन जितनी भी वीडियो आए, तो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कर लेना और सुन लेना कि क्या हुआ था क्या नहीं मेरे साथ में। तो आज ही आज शूट कर लूँगी, और क्योंकि बार बार तो नहीं शूट कर पाऊँगी, वो चीज़ें बार बार नहीं बोल पाऊँगी मैं। तो मैं आप लोगों को शुरुआत से बताती हूँ कि 15 दिन पहले से बताती हूँ कि क्या हुआ था, और मक्खी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। 15 दिन पहले की बात बताती हूँ, यानी कि अप्रैल स्टार्ट हुआ, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे हम डेली लाइफ जीते हैं इसी तरीके से हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। घर में बहुत खुशियाँ थी, मैंने बनाए थे, मैंने मीठा बनाया था, मैंने वीडियो भी अपलोड करा था, मैंने बेसन की बर्फी बनाई थी बाबू के लिए, क्योंकि बाबू को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अक्सर खाना खाने के बाद एक पीस मीठा ज़रूर मतलब खाते थे, या कुछ भी हो, पेड़ा है जो भी, मतलब मीठा होना ही होना चाहिए, वो फ्रिज से निकाल के खाते ही खाते थे। तो मैंने बनाया उनके लिए, तो सारा का सारा मीठा उन्होंने खाया, अनिका ने खाया और उन्होंने खाया, मैंने एक ही दो पीस खाया होगा बस, क्योंकि मुझे इतना मीठा खाना पसंद नहीं था। और बाबू खा लेते थे तो हम उससे पहले ही खा लिए, बस यही चीज़ें होती थी। क्योंकि जब हस्बैंड खुश होते हैं ना, उनको बना के खिलाने में जो मज़ा आता है, वो खुद के खाने में इतना मुझे नहीं लगता मुझे इतना आता है जितना मैं उनको बना के खिलाती थी, तब मुझे खुशी मिलती थी। तो यही चीज़ चल रही थी। फिर उसको क्या कहते हैं, हाँ, मैं होली पे अपनी घर नहीं जा पाई थी, बाबू ने मना कर दिया था कि होली साथ में मनाते हैं। तो हम लोगों ने होली एंजॉय करी, उसके बाद जो मैंने बताया आपको, मैंने मीठा बनाया। फिर वो अप्रैल में बाबू ने बोला, तुम होली पे नहीं जा पाई थी अपने घर, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर चले जाओ और मैं चलो छोड़ आता हूँ तुमको, और रुक लो जितने दिन तुम्हारा मन करता है उतने दिन तुम रुक लो आराम से, हफ्ते डेढ़ हफ्ते जो भी है, फिर आ जाना। तो मैंने कहा, मतलब कभी भी हस्बैंड ऐसा तो बोलते ही नहीं है, कि तुम अपने आप से तो कभी नहीं बोलते हैं, और जब जब मैं बोलती थी तो वो मना ही कर देते थे कि नहीं अभी नहीं जाना, अभी आई थी फिर जाने की जिद कर रही हो। तो यही चीज़ थी, वो आए मेरे साथ में पहली बार अपने ससुराल में, वो 2 रात रुके हैं, 2 रात रुकने के बाद चले गए मुझे यहाँ पे छोड़ के, बोला कि एक हफ्ते रुक लो और फिर आ जाना, या तो मैं लेने आ जाऊँगा।
तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। मैं चली जाती थी अक्सर, ज़्यादा मैं अकेली चली जाती थी, और उनको लेने आने को मतलब मैं नहीं बोलती थी कि तुम लेने आओ या जो भी, क्योंकि वो बिज़ी रहते थे अपने काम से। तो मैं चली गई, एक हफ्ते मैं रुकी, एक हफ्ते मैं यहाँ पे रुकी। तो मैं बराबर लाइव आती थी दोपहर के 1:30 बजे, 1 बजे मेरा एक था, मैं लाइव ज़रूर आती थी 1 घंटे 1.5 घंटे। तो उस लाइव में बाबू अपना सारा काम छोड़ के आते ज़रूर थे। तो बस वहाँ से कमेंट कर रहे थे कि मैंने चाय नहीं पिया है, मैं घर के अंदर नहीं जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब से चली गई हो। तो मतलब ऐसे लाइव में वो कमेंट किया करते थे कि मैं हंसूँ या कुछ बोलूँ तो मेरी लाइफ पूरी वो देखते थे, चाहे जितना भी बिजी क्यों ना हो मेरी लाइफ बराबर देखते रहते थे वहाँ से बैठे बैठे। फिर एक हफ्ता मतलब जैसे हो गया, मेरे जाने का टाइम आ गया, मैं चली भी गई। तो मैं सिलाई सिखाती थी, मैं वीडियो भी बनाती थी, घर के सारे काम करती थी, और मेरा सिलाई सिखाने का बहुत मन था। तो बाबू को सिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो कहते थे कि आँखों पे ज़्यादा असर पड़ता है, सिलाई रहने दो सिखाने को और कुछ और कर लो। लेकिन मैंने उस लड़की से एडवांस रुपए ले रखे थे, तो मैंने कहा कि नहीं मैं सिखा देती हूँ। तो उस टाइम पे कोविड चल ही रहा था बहुत ज़्यादा, तो बाबू मतलब मुझसे गुस्सा रहने लग गए, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं दो बार मुझे मना करा कि लड़की को मना कर दो और बाद में सिखा देना, इतना कोविड चल रहा है और वो इतनी दूर से आती है पता नहीं कैसे, और अनिका है घर पे और कुछ भी हो सकता है, मैं तुम दोनों के लिए रिस्क नहीं ले सकता हूँ इतने रुपए के लिए। तो मैंने सोचा कि यार मैंने उससे रुपए ले लिए हैं और मैं मना कर दूंगी तो उस लड़की को भी बुरा लगेगा। तो ऐसा हुआ, वो 2-3 दिन तक आई, और शाम को जब बाबू घर आए तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि सिखाना है तो दूर बैठ के सिखाना और अनिका को बिल्कुल भी पास मत जाने देना, जो तुम लोग बीमार हो गए तो मुझे फिर बहुत गुस्सा आएगी। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। फिर तीसरे दिन मेरा घर बिगड़ना कैसे चालू हुआ, आप लोग सुन लो ध्यान से। मेरी सिलाई मशीन एकदम से चलते चलते वो जाम हो गई, नई सिलाई मशीन चलते चलते जाम हो गया, उसका जो ऐसे राउंड करने वाला होता है हैंडल वाला, वो जाम हो गया। तो मैंने बाबू से कहा कि मशीन खराब हो गई है, इसको सही करवा दो। तो बाबू ने बोला कि मशीन खराब हो गई है, तो उनको खुशी मिल गई कि अब ये सिलाई सिखाना बंद कर देगी। तो कहा ठीक है मैं करा दूंगा। तो आपको पता है लॉकडाउन उस टाइम पे चल रहा था, तो हर एक चीज़ मतलब सही कराना या कुछ भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो बोला बाबू ने मुझसे कि जो यहाँ पे मशीन सही करता है ना, वो यहाँ पे नहीं है, वो दूसरी जगह चला गया है और वहाँ मैं मशीन नहीं ले जा पाऊँगा, और अब सिलाई सिखाना बंद कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर भी वो लड़की आती रही, वो हाथ से सिलाई करती रही, और फिर अचानक से हाँ बाबू तिलक में गए, अपने फ्रेंड की तिलक में गए चाचा के साथ में, और एक मेरे देवर लगते हैं तो वो और चाचा जी हैं, और तीन लोग तिलक में गए। तो मैंने बाबू से कहा कि तिलक में रहने दो जाने को, तो कहा नहीं मेरे फ्रेंड का तिलक है तो मैं ज़रूर जाऊंगा, और अभी 1 घंटे में आ जाएंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है, बाबू चले गए, रात में आ गए, 1 घंटे के बाद आ गए तिलक से वापस। तो उसके दूसरे या हाँ ये बात है 27 तारीख की। तो बाबू को 27 तारीख को फीवर आया, और तिलक के 2-3 दिन बाद फीवर आया हल्का सा, तो इन्होंने मेडिसिन ले ली होगी, तो मुझे बताया नहीं कि फीवर आया है। तो फीवर हर एक किसी को भी आ सकता है, इसमें कुछ बताने वाली भी कोई बात नहीं होती है, तो बाबू ने नहीं बताया। फिर रात में ऐसे उसी रात में 28 की रात में बाबू सो रहे थे, तो मैं उठी पानी पीने के लिए, अक्सर मेरी आदत है रात में मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, बाबू भी पीते थे मैं भी पीती थी। तो मैंने पानी पिया और फिर मैं बाबू के पास गई, तो मैंने उनको ऐसे टच किया, उनका माथा, सो रहे थे वो, तो बहुत गर्म था, तो मैंने हाथ पकड़ा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो मैंने कहा बुखार है तुमको, सुबह का 4 या 3:30 ऐसे बजा था, मुझे ऐसे टाइम याद नहीं, बस इतना ही हुआ होगा। तो कहा हाँ मुझे सुबह भी फीवर आया था, इतने टाइम भी फीवर आ गया।
तो मुझसे बोला ये दवाई निकाल लो मैं खा लेता हूँ। तो मैंने उनको अपने हाथ से दवाई भी दी, उन्होंने खाया, दवाई खाया। फिर सुबह हो गई 29 तारीख, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, बहुत ही ज़्यादा। तो उस दिन वोटिंग का था, गांव था, तो प्रधान की वोटिंग पड़ रही थी, तो वो चले गए, मुझे लेके नहीं गए कोविड की वजह से। मुझे और अनिका को बचाते रहे, बोला तुम दोनों नहीं जाओगी, कोविड का टाइम चल रहा है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं जा रहा हूँ। तो वो चले गए और उनको वीकनेस थी, चले गए। फिर उसके दूसरे दिन मतलब वीकनेस उनको बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो आए वोटिंग करके आए और लेट गए घर में। तो मैं भी उनके पास ही बाहर, वो लेटते थे बाहर, मैं भी बैठी रहती थी गैलरी में, ऐसे हवा लगती थी गेट के पास। तो शाम के टाइम पे एक बैड न्यूज़ आई, फ़ोन आया, मैं लेटी थी, बाबू चले गए उठ के, मैं लेटी थी, बस मेरी आँख लगी। उसके बाद बाबू आए तो उन्होंने मुझसे कहा, नेहा तुम्हारे फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं समझ नहीं पाई ये क्या हो रहा है, फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं, मैं रोने लग गई। मैंने कहा मेरी बुआ जी अकेले हो गई। शाम का 4 बजा था इन्होंने बताया मुझे। तो मैंने सोच अब मतलब जाने का मेरा मन कर रहा था, मैं जाऊंगी बुआ जी के पास। तो इनको वीकनेस थी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने कहा नेहा मैं नहीं जा पाऊँगा, बुरा मत मानना, मैं बुआ से बाद में मिल लूँगा चल के, और मेरे गाड़ी चलाने की ताकत नहीं है, और 1.5 घंटे का रास्ता था, 1-1.5 घंटे का। तो मैंने जिद भी नहीं करी, मैं रोती रही। और बाबू फिर लेट गए, पर मुझे ये नहीं पता था, मैं लेट गई और वो भी लेट गए, ऐसे थक गए थे। फिर ये सब हो गया। उसके बाद उनकी उसके दूसरे दिन उनको फिर से फीवर आया और उनको चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। रात हो गई, वो दवाई लेने गए शाम को, जैसे मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया ही था। फिर रात में आए, मेरी और इतनी केयर, मैंने उस दिन बनाई थी बैंगन आलू की सब्जी। तो मैंने पूछा क्या खाओगे, मैंने तो सब्जी बना डाली है बैंगन आलू की। तो बोले कोई बात नहीं, जो बनाया मैं वो खा लूँगा, खाना निकालो, मेरी बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मैं खाना खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, छत पे, वो भी बोला छत पे चलो, छत पे खाऊंगा। छत पे मैं लेके गई, खाना लेके गई सारा उठा उठा के। तब तक मम्मी आ गई, यानी कि उनकी मम्मी अनिका की दादी। तो मैंने सबकी थाली लगा दी, अनिका की दादी की, बाबू की, और एक लोग और उनके साथ में आए थे, उनकी मैंने नहीं खाया। तो बाबू को मेरी इतनी चिंता, क्योंकि मैं हमेशा साथ में खाती थी खाना, कभी मैं अलग खाना खाई ही नहीं बाबू के, उस नूनी की थाली में खाती हूँ, खाती थी। तो मैंने नहीं खाया, तो बाबू को पता था ये खाएगी नहीं। जब मैं सारे काम करके आई, लेटे थे ऐसे पेट के बल, मुझसे कह रहे खाना खाया, मैंने कहा हाँ खा लिया, तो बोल रहे खाना तुमने नहीं खाया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आज तुम साथ में नहीं खाई हो, जाके खाना खा लो। मैंने कहा खा लिया है मैंने। तो बहुत तेज से मुझे डांटा कि जाके खाना खाओ, सुबह से काम पे काम कर रही हो पर खुद का ध्यान नहीं देती हो। मैंने अकेले खाना खाया, एक रोटी, बस मन नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि वो बीमार थे, अच्छा नहीं लग रहा था। और फूफा जी एक्सपायर हो गए थे, तो और भी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, पहुंच भी नहीं पाई। फिर दूसरे दिन सुबह हुई, और सुबह हुई जब, तो बाबू की हालत और भी ज़्यादा मतलब
ज्यादा क्या वीकनेस बढ़ती गई उनको। सुबह हुई तो मैंने उनके लिए आलू के पराठे बनाए। आलू के पराठे उनको बहुत पसंद थे। मैंने बनाया, खाया हम सबने। सॉरी गाइस।